मॉस्को में सड़क से क्रेमलिन तक हड़कंप, ब्रेक करिए विद द विजुअल। कुर्स से आनन फानन में मॉस्को लौटे पुतिन, प्रिगोजिन की मौत के बाद मॉस्को लौटे पुतिन। मॉस्को में किसी भी वक्त बिगड़ सकते हैं हालात, यह जानकारी दी जा रही है। पुतिन के कई अधिकारी प्रिगोजिन के मददगार। सीधे चलिए, मैं सीधे चलूंगा जल चतुर्वेदी सर के पास। सर, क्या हालात वहां पर तेजी से तब्दील हो सकते हैं, क्या आपको ऐसा लग रहा है? सर देखिए, ऐसा है कि दो चीजें इसमें बहुत गौर से देखने वाली हैं। एक तो जैसा कि आपने थोड़ी देर पहले रिपोर्ट किया कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो भी उनके हथियार थे, बड़े हथियार थे, जैसे उनका टैंक्स थे, एपीसी थे, आर्टिलरी पीसेस थे, वो सब विड्रॉ कर लिए गए हैं। आधे से ज़्यादा जो वैगनर हैं वो फौज में एसिमिलेट हो चुके हैं, तो उनकी स्ट्रेंथ कम है और वो जो है पेनीपाकट्स में है, नंबर एक। नंबर टू, जो तो मनीष ने बोला कि जो स्टैब्लिशमेंट में उनका सपोर्ट है या पब्लिक में उनका सपोर्ट है, ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो उनके साथ जाएंगे, लेकिन हमें ये हमेशा याद रखना चाहिए कि पब्लिक और ये वाला जो सपोर्ट होता है, ये फेंस सिटर्स होते हैं, जो जीत रहा होगा उसके साथ ये जाएंगे, ये अलग से नहीं जाएंगे। इसमें CIA का रोल बड़ा बहुत ही मुझे तेजी से बढ़ता हुआ दिख रहा है कि वो जो से ये डिसेंटल ग्रुप हैं, इनको वो सपोर्ट करके। और इस बीच सर मेरे पास एक खबर आ रही है, हमारे जितने भी दर्शक हैं, सीधे राहुल जरा ब्रांडिंग वॉल चेंज करिए, क्रीमिया की खबर पर आइए। एक बहुत बड़ी खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, क्रीमिया की आज की बहुत बड़ी खबर। एक तरफ पुतिन, एक तरफ प्रिगोजिन और दूसरी तरफ क्रीमिया में यूक्रेनी फोर्सेस। ठीक सुना आपने, क्रीमिया में यूक्रेनी फोर्सेस। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, ज़ापोरिज्या में यूक्रेन का बड़ा हमला विद द विजुअल। रूस के आर्मी हेडक्वार्टर पर हमला विद द विजुअल। यूक्रेन ने JDAM बम से किया हमला, हमले में तबाह रूसी मिलिट्री हार्डवेयर। ये देखिए बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, JDAM हम से बॉम्ब से हमला किया। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, रूसी SU-30 की भीषण एयर स्ट्राइक। ब्रेक करिए, यूक्रेनी बेस पर मिसाइल से हमला किया गया विद अ विजुअल, दिखाइए जरा। रूसी अटैक में यूक्रेन का वेपन डिपो तबाह हो गया, यह जानकारी आ रही है। लेकिन आज की एक और बड़ी खबर जो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, फ्लोर ब्रेकिंग है शायद, क्रीमिया के अंदर यूक्रेन की स्पेशल फोर्सेस। ब्रेक करिए, क्रीमिया के अंदर यूक्रेन की स्पेशल फोर्सेस, स्पेशल ऑपरेशन के लिए क्रीमिया में यूक्रेनी फोर्सेस। डिफेंस इंटेलिजेंस यूनिट की क्रीमिया में एंट्री, क्रीमिया के अंदर यूक्रेन का बड़ा ऑपरेशन। बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं राहुल, नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, खतरनाक शॉट है इसके, ये S-400 जोड़ा दिए वहां पर, ये देखिए अब आप, बहुत बड़ी खबर है ये। क्रीमिया के अंदर यूक्रेन की स्पेशल फोर्सेस, स्पेशल ऑपरेशन के लिए डिफेंस इंटेलिजेंस यूनिट की एंट्री हो गई है। क्रीमिया के अंदर यूक्रेन का बड़ा ऑपरेशन है, यह जानकारी आ रही है। सीधे बिग वॉल पर आइए राहुल, बगल में ब्रेकिंग और शॉट चलाइएगा जो इसी खबर के शॉट है, क्रीमिया में यूक्रेनी फोर्सेस, ब्रेकिंग का म्यूजिक के साथ प्लीज। ये देखिए, क्रीमिया में यूक्रेनी फोर्सेस, क्रीमिया के अंदर यूक्रेन का स्पेशल ऑपरेशन शुरू हो चुका है, ये जानकारी आ रही है। क्रीमिया के अंदर पहुंची यूक्रेन की स्पेशल इंटेलिजेंस यूनिट, ये जानकारी आ रही है। ये देखिएगा अभी विजुअल बगल में, केप तारखानकोट में यूक्रेनी स्पेशल ऑपरेशन जारी है, ये जानकारी आ रही है। क्रीमिया में केप तारखानकोट में रूसी S-400 कोड़ा दिया है, ये उसी के विजुअल्स में आपको दिखा रहा हूं, ये रूसी S-400 को जोड़ाया है, उसी के विजुअल्स हैं। नेक्स्ट दिखाइए, क्रीमिया के गांव मकेक में धमाकों की आवाज आ रही है, ये जानकारी आ रही है। यूक्रेनी डिफेंस इंटेलिजेंस यूनिट के प्रवक्ता आंद्रे यूसुफ का दावा है